Good afternoon. कंप्यूटर बाहर से कैसा भी दिखे, टर्मिनल कीबोर्ड वगैरह देखा होगा आपने, कुछ इस तरह का दिखता है। कीबोर्ड रहता है सामने, जैसे यहाँ है एक स्क्रीन रहता है सामने, बहुत सारे केबल्स वायर्स आते रहते हैं, पीछे क्या है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये जो है इसको टर्मिनल बोलते हैं। जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, काम करवाना है, वो इस कीबोर्ड से टाइप करेंगे। काम करने के बाद कंप्यूटर जो हमें बताना चाहता है वो यहाँ पे डिस्प्ले करें। सिंपल। अंदर से कंप्यूटर में दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, एक प्रोसेसर है जो हमारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करता है ना क्या करता है, कंप्यूटर है ना, कंप्यूट करेगा, कैलकुलेट करेगा। तो कैलकुलेट क्या करेगा, वैल्यूज़ को लेके ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो वो वैल्यूज़ रखने के लिए उसके पास एक मेमोरी रहती है, उस मेमोरी में वो सब वैल्यूज रखता है जिनका उसे जोड़ गुणा भाग करना है। और जोड़ गुणा भाग एक्चुअली करने की जो प्रक्रिया है उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वो प्रोसेसर में। और यहाँ पे जो भी नंबर इस मेमोरी में हो, जैसे एक जगह 25 है, एक जगह 13 है, तो इन दो नंबर को जोड़ना है उसको, तो ये नंबर जो हैं वो एक एक करके प्रोसेसर में जाएंगे, प्रोसेसर उनका जोड़ करेगा, इसमें जोड़ा जाएगा उसका 38, फिर वो 38 नंबर यहाँ से इधर आएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा। ये काम कंप्यूटर करता है। अब ये बिना बताए कुछ नहीं करता है, तो उसको हमें बताना पड़ता है कि या तो जोड़ो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, जो भी करना हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती। वो हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स के साथ बात करने के लिए अलग अलग भाषाएँ हैं। हम जिस भाषा का प्रयोग करने वाले हैं उस भाषा को हम बोलेंगे C++। ये C++ का भी इतिहास है, हम लोग अभी इतिहास में नहीं जाते। इसके पहले एक सी प्रोग्रामिंग नाम की लैंग्वेज थी, उसके पहले और भी भाषाएं थी। सबसे पहली भाषा जो दुनिया में इजाद हुई अंग्रेजी टाइप भाषा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए, उसका नाम था फोरट्रान, उसको बोलते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। 1956 में किसी 3-4 लोगों ने मिलकर उसे बनाई थी IBM। तब से आज तक किस तरह से प्रोग्रामिंग किया जाए इसमें भी काफ़ी वजीफा और काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, और अभी जो हम सीखेंगे वो C++ प्रोग्रामिंग से। अब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं C++, वो हम अपने कागज़ पे लिखेंगे, उस कागज़ में लिख के फिर यहाँ पे टाइप करेंगे, लेकिन प्रोग्राम रन कौन करने वाला है, ये कंप्यूटर करने वाला। तो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्राम में लिखेंगे वो किसी तरह इस प्रोसेसर के पास पहुँच जानी चाहिए, और वो इस तरह से पहुंचनी चाहिए कि उस प्रोसेसर को समझ में आए। अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंप्यूटर प्रोसेसर C++ नहीं समझता, फोरट्रान नहीं समझता, तो इसके लिए बीच में एक ट्रांसलेट करना पड़ता है। ट्रांसलेशन समझते हैं आप, भाषांतर, तो C++ भाषा में से उसकी अपनी भाषा में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। अब ये ट्रांसलेशन कौन करेगा, हमें तो उसकी भाषा नहीं मालूम, हमें तो C++ भी ठीक से नहीं मालूम। C++ सीख भी लें तो ये भाषांतर करने वाला जो आदमी रहता है वो कोई दूसरा कंप्यूटर नहीं रहता है, लेकिन वो एक अलग प्रोग्राम रहता है जो इसी कंप्यूटर को यूज़ करके उसको इंस्ट्रक्शन में तब्दीली करवा ले। तो वो जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम का नाम रहता है C++ कंपाइलर। आज हम लोग ये नहीं डिस्कस करने वाले कि C++ कंपाइलर किस तरह काम करता है, क्या बस इतना हम समझ लें कि भाई जो भी प्रोग्राम हम लिखेंगे उसको कोई तो भी ट्रांसलेट कर देगा अंदर, और ट्रांसलेट करने के बाद में एक नया प्रोग्राम अपने आप बना लेगा जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। अक्सर जिस नाम से हम इस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को जानेंगे
आज की तारीख में उसको बोलते हैं ए डॉट आउट। ऐसा क्यों बोलते हैं ए डॉट आउट, बी डॉट आउट क्यों नहीं, ए डॉट इन क्यों नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन इसका जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेटर ऐसा है कि जो भी हम प्रोग्राम उसे दें उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके वो नया जो प्रोग्राम बनाएगा उसका नाम होगा ए डॉट आउट। तो इट इज, हालांकि हम अपना प्रोग्राम चलाना चाहते हैं इस मशीन पे, तो अपना ही प्रोग्राम चलेगा लेकिन ट्रांसलेट होने के बाद चलेगा, जो चलेगा उसको बोलेंगे ए डॉट आउट। आगे जाके हम देखेंगे इसको नाम अलग भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये जो मैंने लिखा मेमोरी में 25 गए 13 गए, 25 और 13 ऐड होके 38 हो गए, लेकिन ये 25 नंबर गया कैसे अंदर, ये 13 नंबर गया कैसे अंदर, अपने आप तो नहीं घुसेगा। ये 25 और 13 ये नंबर असल में हमारे पास है, हम इनको ऐड करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि 25 और 13 को ऐड करें और ये एडिशन हम निकालना चाहते हैं कि क्या हुआ रिजल्ट। आज हम 25 और 13 को ऐड करना चाहते हैं, कल हम 231 और 192 को ऐड करना चाहेंगे। यानी जिन नंबरों को हम ऐड करना चाहेंगे वो अलग अलग हो सकते हैं हर समय, हम हर दो नंबर के लिए अलग प्रोग्राम तो नहीं लिखेंगे, एक ही प्रोग्राम लिखेंगे और हम चाहेंगे कि जब भी वो प्रोग्राम चलाएं तो जो भी नंबर हम दें उसे वो ऐड कर दें। तो अब ये नंबर को हम नंबर तो नहीं लिख सकते हमारे इंस्ट्रक्शन में कि भाई 23 और 25 और 13 ऐड करो, ऐसा तो नहीं लिख सकते। तो इन नंबरों के लिए हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। मान लीजिए पहले नंबर को हमने नाम दिया ए, दूसरे नंबर को नाम दिया बी। तो एक बार अगर हमने प्रोग्राम लिख लिया कि ए और बी दोनों नंबर है, उनकी वैल्यू हमसे ले लो, उनको ऐड करके उनका रिजल्ट निकालो और वो रिजल्ट हमें दे दो। अब वो रिजल्ट जो हमें दे दो तो रिजल्ट भी किसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। मान लीजिए हम उस रिजल्ट को नाम देते हैं सी। एक बार ए बी और सी नाम ये हमने हमारे मन में फिक्स कर लिया कि भाई इन नामों से हमें प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर को ये बोलना है कि ए और बी नंबर हमसे ले लो, ऐड करके सी हमें दे दो। वो प्रोग्राम एक बार हमने लिख दिया तो आज की तारीख में हम ए और बी 25 और 13 वैल्यू देंगे, कल हम 231 और 192 देंगे, परसों कोई और दे सकते हैं, 5 मिनट बाद कोई और दे सकते हैं, नहीं कोई भी दो वैल्यूज को हम ऐड कर सकते हैं एक बार प्रोग्राम लिखने। वो जो प्रोग्राम है C++ में कैसे लिखे जाए उसको देखते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये C++ में प्रोग्राम हुआ जिसको अगर हमने ट्रांसलेट कर लिया और ट्रांसलेट करने के बाद में जो भी प्रोग्राम बनेगा मशीन लैंग्वेज में उसको अगर हमने इस प्रोसेसर से रन करवाया तो ये क्या करेगा ये देखते हैं हम लोग। इस प्रोग्राम में पहली 3 लाइनें जो हैं वो इस समय हम सोचेंगे हमें मालूम नहीं किस लिए लिखी, वो कंपलसरी है C++ में प्रोग्राम लिखना है तो पहली 3 लाइनें बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम
लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी सेमी कोलन, और इंट मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये तीन लाइनें हम कंपल्सरी लिखेंगे। आगे हम समझ लेंगे क्यों लिखते हैं, लेकिन आज की तारीख में ऐसा बोलेंगे कि हमेशा लिखते हैं। पता नहीं आप लोग ने किस तरह से लिखना सीखना शुरू किया था। मैं जब बचपन में था तो पहले वो क ख ग घ लिखना सिखाने से पहले ऊपर हमारे जो टीचर होते थे वो पेंसिल से लिखते थे, स्लेट पेंसिल होती थी, श्री गणेशाय नमः। अब हमें समझ नहीं आया वो ये क्या लिखा है, लेकिन जो पढ़ के सुनाते श्री गणेशाय नमः तो अच्छा लगता, लेकिन समझ में नहीं आता था कुछ। तो उनसे पूछा है क्यों लिखा है, तो बोले नहीं लिखना शुरू करने से पहले हमेशा ये लिखना है। तो हम वो सी प्लस प्लस नाम का जो गणेश है उसके लिए हम ये तीन चीज़ें लिख देंगे, वो भले हमारे समझ में नहीं आए बाद में समझ। इसके आगे की जो लाइनें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हम लिखेंगे कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि उसे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने सोचा था कि भाई ये जो दो नंबर हमें ऐड करने हैं उसको हम नाम देंगे ए और बी। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है ये पहली इंस्ट्रक्शन इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब हम कंप्यूटर को यह हिदायत दे रहे हैं कि भी हमारे प्रोग्राम में हम तीन नामों का प्रयोग करेंगे ए बी और सी, ये तीन आपके मेमोरी में लोकेशन होने चाहिए। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को ट्रांसलेट करो तो पहले अपने आप ये तीन नाम जो हैं ये मेमोरी लोकेशंस को कहीं तो भी दे दो। तो जब ये ट्रांसलेशन होगा ना, वो ट्रांसलेशन करते समय ही जो ट्रांसलेटर है वो समझ जाएगा कि ए बी सी नाम में कुछ वैल्यू रखने वाला है आदमी। तो ये जो मेमोरी लोकेशन है इतने सारे, उनमें वो ऐसे नाम दे देगा, एक को बोलेगा ए, दूसरे को बोलेगा बी, तीसरे को बोलेगा सी। इन लोकेशन में अभी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि अपने प्रोग्राम में अपन ये तीन लोकेशन यूज करने वाले। लोकेशन यानी जगह, कहीं जहाँ कुछ रखा जाए, तो इन जगहों में हम नंबर रखने वाले बात। लेकिन ये जो हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर को कि ये तीन लोकेशन मैं यूज करने वाला हूँ, वो इस तरह से दी। अगली इंस्ट्रक्शन देखिए ये क्या लिखा है, सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए ग्रेटर ग्रेटर बी। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे तो जब ये इंस्ट्रक्शन आप एग्जीक्यूट करने वाले हो उस समय मेरे से पहले ए की वैल्यू ले लेना, फिर बी की वैल्यू ले लेना, ये इंस्ट्रक्शन है उसमें। अभी हुआ हुआ कुछ नहीं, हमने वैल्यूज कहीं दी नहीं है अभी तक, अभी हमने प्रोग्राम लिखा है। ये प्रोग्राम समझ रहा है वो ट्रांसलेटर, और ट्रांसलेटर समझ के बोल रहा है कि भाई मेरे को ए बी सी तीन वैल्यूज लिखना है कहीं तो भी। इस इंस्ट्रक्शन से ट्रांसलेटर ये समझ लेगा कि भाई ये जो आदमी जो प्रोग्राम मेरा चलाएगा बाद में, उस समय कोई तो भी दो वैल्यूज देगा मुझे, उसमें पहली वैल्यू को मैं कहूँगा ए, दूसरी वैल्यू को मैं कहूँगा बी। और जब भी वो वैल्यू देगा तो पहली जो वैल्यू देगा वो मुझे यहाँ पे रखनी है, और दूसरी जो वैल्यू देगा उसे यहाँ पे रखना है, क्योंकि इसका नाम ए है इसका नाम बी। मान लीजिए मैं तीन वैल्यूज पढ़ना चाहता हूँ पी क्यू और आर, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन लिखूंगा मैं, बोलिए, सी इन ग्रेटर ग्रेटर पी ग्रेटर ग्रेटर क्यू ग्रेटर ग्रेटर आर सेमी कोलन, इसे ना भूलें। ये सेमी कोलन बहुत इंपॉर्टेंट है सी प्लस प्लस में। जब तक सेमी कोलन नहीं देते तब तक कंप्यूटर को समझ में नहीं आता कि इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, तो और ढूंढता रहेगा और क्या करूं और क्या करूं। तो सेमी कोलन हर इंस्ट्रक्शन के पास देना चाहिए। लेकिन अब आप ये समझ गए कि मुझे कोई अगर वैल्यू पढ़नी है तो ये सी इन नाम के कोई तो भी फनी लुकिंग कमांड है वो मुझे देनी पड़ेगी। उसके बाद मैं ग्रेटर ग्रेटर लिखूंगा, एक नाम दूंगा ग्रेटर ग्रेटर लिखूंगा, दूसरा नाम। अगर मुझे 25 चीज़ें पढ़नी है तो मैं 25 बार ग्रेटर ग्रेटर ए बी सी डी एफ जी एच जेड तक तो नहीं जाना पड़ेगा, 25 वो 26वां होता है जेड के पहले, जो भी या हाँ बिल्कुल ये इनका सवाल है कि भाई ग्रेटर साइन क्यों लिखते हैं, लेस क्यों नहीं लिखते, ओके, और कुछ क्यों नहीं लिखते, क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लिखते। बिल्कुल सही सवाल है, क्यों ये अटपटा लगता है। अगर आप मुझसे पूछो
तो मैं क्या इंस्ट्रक्शन लिखना चाहूंगा, इनपुट पी कॉमा क्यू कॉमा आर। ये ज़्यादा समझ में आता है कि भाई बाद में मैं इनपुट देने वाला हूँ, तीन वैल्यूज का इनपुट दूंगा, पहली को पी बोलना, दूसरी को क्यू बोलना, तीसरी को आर बोलना। ये बिल्कुल इजीली समझ में आता है। कुछ भाषाएं हैं जिन्होंने इस तरह के इजी समझने लायक इंस्ट्रक्शन रखे हैं अपने इसमें। सी प्लस प्लस भाषा जो है उनका ये कहना है कि आपको अगर इनपुट लेना है इसी तरह से लेना चाहिए, तो ठीक है, नहीं तो मत दो इनपुट। क्योंकि आपने और हमने वो भाषा डिजाइन नहीं करी है इसलिए हम बुरा मान सकते हैं, लेकिन लिखना ही पड़ेगा। तो अगर C++ में कोई भी इंस्ट्रक्शन देना है कि ये इनपुट ले लो आप, तो ऐसा ही लिखना पड़ेगा। बाद में हम कोर्स में देखेंगे आगे कि ये ग्रेटर ग्रेटर का मतलब क्या है। असल में ये सी इन जो होता है इसको बोलते हैं स्ट्रीम ऑपरेटर, यानी एक अक्षरों की एक मालिका हम लोग बाद में देंगे, उन अक्षरों से वो अपनी एक वैल्यू बना के मेमोरी में रखेगा। उसी तरह ग्रेटर ग्रेटर जो है उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी ये जो सिंबल्स आते जाएंगे अपने कीबोर्ड में, आप टाइप करोगे ना, जो सिंबल्स उसके पास आते जाएंगे एग्जीक्यूट करते टाइम, अभी नहीं, तो वो सिंबल्स को पकड़ पकड़ के वो देखेगा कि अच्छा ये आपने पहले दो टाइप किया, फिर तीन टाइप किया, फिर वन टाइप किया, ये सब के सब आ गए, तो वो बोलेगा अच्छा ये 231 है, आपने बोला है एक्सट्रैक्ट इनटू ए, तो इसका मतलब ये 231 ये जो सिंबल है इनको मिला के 231 वैल्यू बना लो, और ये 231 वैल्यू हमें उसमें रखनी, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑपरेटर। ये उनका नोटेशन है सी प्लस प्लस। हमारे लिए ये सब चीज़ें अभी जानना जरूरी नहीं है जरा भी, हमें इतना जानना चाहिए कि अगर हमें कुछ वैल्यूज देनी है कंप्यूटर को किस तरह दे, और वो तो आप सब समझ गए। दूसरी इंस्ट्रक्शन देखें। अच्छा ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, C इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये इम्पॉर्टेंट है समझना, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन हम जब लिखते हैं किस तरह से इक्वेशन लिखेंगे, हम लोग लिख सकते हैं, ये देखा आपने बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, यानी इस तरफ बी स्क्वायर है, इस तरफ फोर टाइम्स ए टाइम्स सी है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं है, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइन अंग्रेजी शब्द होता है जिसमें कोई काम किसी को दिया जाता है, आई असाइंड हिम दिस वर्क, यू असाइंड हिम सम ड्यूटी, इस तरह से अंग्रेजी में यूज करते हैं। यहां पे काम नहीं दिया जा रहा है, यहां पे वैल्यू असाइन की जा रही है। तो ये जो इक्वल टू सिंबल है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये इक्वालिटी नहीं है, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी जैसी इक्वल है ना, ये इक्वल का मतलब वो नहीं। जैसे ग्रेटर ग्रेटर का मतलब है वैल्यू ले लो एक, उसी तरह से ये इक्वल टू साइन का मतलब है एक वैल्यू आप बाई तरफ वाले नाम में डाल दो। उसको अगर आप समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए लिखा है C एरो A प्लस B। अब ये लिखेंगे तो शायद आपके दिमाग में मतलब आ जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसका मतलब क्या है, कि जो A की वैल्यू है उसको मेमोरी से निकालो, जो B की वैल्यू है उसको मेमोरी से निकालो, दोनों को जोड़ो और जो वैल्यू आएगी वो C में डालो। एरो से पता चल जाता है बराबर। बस ये समझ लीजिए अपने दिमाग में कि C++ में इस तरह के एरो लिखने के बजाय इक्वल टू सिंबल लिखें। दो तीन कारण हैं। एक तो एक एरो ऐसा कोई सिंबल नहीं होता है टाइपराइटर, वो जो अप डाउन एरो कीज रहती है ना, वो खाली ऊपर नीचे कर्सर को घुमाने के लिए, उससे कोई वो सिंबल नहीं जाता है, तो इसलिए ये लिखें। तो ये आप समझ गए क्या करेगा, ये ऐड करेगा ए और बी को और उसमें सी में वैल्यू रख देगा। आपको याद है सी पहले से उसने बना के रखा है, क्योंकि हमने पहले बोला था इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। ये इंट का मतलब है इंटीजर, यानी जो भी ए बी सी लोकेशन है मेमोरी के उसमें खाली इंटीजर वैल्यूज रहे, यानी 3/4 5.27 ऐसी वैल्यू नहीं रह सकती। तो ठीक है, वो उसको देखेंगे हम आगे कैसे करें। ये इंस्ट्रक्शन आगे वाली देखिए, ये क्या लिखती है, सी आउट लेस लेस सी।
पहले आपने सी इन ग्रेटर ग्रेटर ए ग्रेटर ग्रेटर बी का मतलब तो बिल्कुल समझ लिया, अब आप बता सकते हैं इसका मतलब क्या होगा? अगर सी इन इनपुट है तो सी आउट आउटपुट होना चाहिए, अगर ग्रेटर ग्रेटर कोई एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है तो लेस लेस उसी का उल्टा कुछ होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। यानी कंप्यूटर की तरफ से जो सिंबल्स आपके कीबोर्ड में जाएंगे, आपके टर्मिनल पे जाएंगे, वो सिंबल्स इंसर्ट करता है ये सी आउट इंस्ट्रक्शन। हमारे लिए इतना समझना काफी है कि जब भी हम सी आउट इंस्ट्रक्शन देंगे, इसके आगे जो भी लिखा है उसकी वैल्यू आपके मॉनिटर पे यहां पे आ जाएगी, मतलब आउटपुट दिख गया आपको, आपने इनपुट दिए दो वैल्यूज, उसको जोड़ किया उसने सी में रखा और वो सी की वैल्यू आउटपुट कर दी, बन गया आपका प्रोग्राम। अब ये तो प्रोग्राम बना, इसके आखिर में रिटर्न जीरो सेमीकोलन और क्लोजिंग ब्रास। अब ये दो चीजें क्यों हैं यह हमें अभी पता नहीं, जिस तरह से ऊपर श्री गणेशान में हमें पता नहीं उस तरह ये भी पता नहीं, तो इसको हम आज की तारीख में जान लें। हर बार प्रोग्राम लिखेंगे तो अपना काम हो जाने के बाद में एक रिटर्न जीरो सेमीकोलन लिख देना और एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लिख, प्रोग्राम बन गया। आप लिख सकते हैं प्रोग्राम में। आगे जाने से पहले थोड़ा ये देख लें, अब तो हमने लिखा है प्रोग्राम, अभी तक ये रन नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ, हमने लिख दिया और ये हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा है कि भाई कोई भी दो नंबर किसी को भी ऐड करना हो तो ये प्रोग्राम चला ले हो जाएगा। ये प्रोग्राम पहले जाके ट्रांसलेट होगा, ये ट्रांसलेट होकर इसकी मशीन लैंग्वेज में एक दूसरी इंस्ट्रक्शन बनेगी और फिर जब हम ए डॉट आउट प्रोग्राम को रन करेंगे तब उस समय कंप्यूटर जो है एक एक इंस्ट्रक्शन यहां से लेके एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अब हम देखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे करेगा, एग्जीक्यूट करते टाइम क्या होगा। हम यहां पे बैठे हैं टर्मिनल पे और मान लीजिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, चालू कर दिया हमने एग्जीक्यूट, कैसे चालू करना ये तो हमें बोल के तो नहीं बोल सकते भाई जो मैंने प्रोग्राम दिया था आपने ट्रांसलेट किया ए डॉट आउट उसको चलाओ, ऐसा नहीं बोल सकते, उसके लिए कुछ कमांड और देनी पड़ती और वो कमांड जो है इस कंप्यूटर को नहीं देनी पड़ती। एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक बड़ा झमेला रहता है, उसको मान लीजिए एक दरवान बैठा है कंप्यूटर, वो दरवान आपसे जो भी इंस्ट्रक्शन लेगा फिर उसके बाद उसको आगे बोले, तो उसके लिए जब आप लैब में जाएंगे तो जब आप वो जो कंप्यूटर के पास जाएंगे चालू करेंगे उसको, उसमें लॉगिन करेंगे तो आपके पास एक ऐसा डॉलर नाम का सिंबल आएगा। ये डॉलर नाम का सिंबल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताती है कि भाई मैं चालू हो गया, आपको जो भी काम करवाना है करवा लो। सबसे पहले आप ये प्रोग्राम अपने तो हाथ से लिखा है, इस प्रोग्राम को आप कहीं तो भी संजो के रखना चाहेंगे और देना चाहेंगे उसको कैसे देंगे आप? उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो इस कंप्यूटर के अलावा एक बड़ा डिस्क यूज करती है, डिस्क में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है वो फाइल के जरिए करती है। आपने फाइल तो देखी होगी, आपकी नोटबुक है, तीन नोटबुक है आपके पास, एक बोलेंगे आप गणित की है, एक CS101 की है, एक तीसरी किसी और की है। ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे कोई एक फाइल होगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की, दूसरी फाइल होगी फर्नीचर की, तीसरी फाइल कुछ होगी। एकेडमिक ऑफिस में गए तो एक फाइल फर्स्ट ईयर की होगी, एक फाइल सेकेंड ईयर की होगी, फाइल तो आप जानते हैं। फाइलों में कागज रहते हैं, यहाँ की जो फाइलें हैं इसमें सिंबल्स रहते हैं। तो ये जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है ये पूरा का पूरा हमें पहले एक फाइल में बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाए वो तो वो हम इंस्ट्रक्शन जानते नहीं हैं, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक एडिटर होता है, वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, जिससे आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करेंगे और बाद में बोलेंगे ये पूरा का पूरा एक फाइल में रख दो तो वो एडिटर रख दे। उस एडिटर का नाम हमारे यहाँ पे जो एडिटर यूज करते हैं उसका नाम है ये मैं बड़ा स्क्रीन बना रहा हूं। यहां पे ऐसे अब गए तो डॉलर सिंबल आ गया लॉगिन करने के बाद, यहां पे अगर आप बोलेंगे जी एडिट
EDIT, एडिट का मतलब समझते हैं, करेक्शन करो। ओके, अब करेक्शन का मतलब कोई पहले कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है उसमें करेक्ट करना होता है अक्सर, लेकिन कुछ भी लिखा हुआ नहीं है और कुछ लिखना उसको भी वो करेक्शन ही मानता है। आपने जीरो कुछ लिखा नहीं है, उसमें आपने कुछ लाइनें ऐड कर दी, वो करेक्शन हो गया। उसके बाद और कुछ चेंज किया, वो फिर करेक्शन हो गया। इस तरह से आप जी एडिट करके एडिटर कर सकते। अब एडिटर कैसे चलता है ये हम लैब में देखेंगे। कुछ लोगों ने लैब करी है, कुछ लोगों ने नहीं करी, जिन्होंने नहीं करी वो इस ट्यूसडे को करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा ये एडिट कैसे किया जाए। वो एडिटर में हम खाली इतना करेंगे कि ये जो प्रोग्राम है इसको बाकायदा टाइप करें। ओके, सो इसमें नंबर साइन, इंक्लूड, हैश, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाइन लिखते जाएंगे। यहाँ तक आ गए तो नीचे जाने के लिए एक स्पेशल की होती है एंटर करके, वो एंटर दबाएंगे तो जी एडिट वाला अपने आप इधर चला जाएगा, फिर लिखेगा फिर लिखेगा। और यहाँ तक पूरा आपने लिख दिया, यहाँ पे जब एंटर दबा दिया तो स्क्रीन पे आपने पूरा लिखने के बाद में, उस समय आप यहाँ इस स्क्रीन पे नहीं रहोगे। जैसे ही आप जी एडिट बोलोगे ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अलग से कोई एक स्क्रीन आपको दे देगा और यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा जी एडिट फलाना लिमका जो भी है कुछ है ये रहेगा, और यहाँ पे आप टाइप करते जाएं। और टाइप ख़त्म हो गया तो इसके यहाँ पे रहता है एक ऑप्शन सेव, यानी मैंने इतना भी लिखा है उसको आप एक फाइल में सेव कर लो। अब वो जो फाइल में सेव होगा वो इस डिस्क में जाएगा। अब डिस्क में आपकी फाइल रहेगी, आपकी रहेगी, मेरी रहेगी, तो अलग अलग आदमी को समझना चाहिए किसकी फाइल कहाँ है। आप ही आपने मान लीजिए 5 प्रोग्राम लिखे तो 5 अलग अलग फाइलें बनेंगी। तो जिस तरह से हम मेमोरी लोकेशन को नाम देते हैं उसी तरह फाइलों को भी नाम देना चाहिए। मान लीजिए इस पर्टिकुलर फाइल को जिसमें हमने ये प्रोग्राम लिखा है उसको हमने नाम दिया ऐड, ऐड फॉर एडिशन। तो एक फाइल यहाँ पे बन जाएगी जिसका नाम होगा ऐड, ये C++ कंपाइलर का तकाजा है कि आप अगर कोई प्रोग्राम लिख के उसे फाइल में रखते हैं तो फाइल का जो भी नाम आप देना चाहे दे दे, लेकिन उसके बाद में .cpp ऐसा जरूर लिखें ताकि वो कंपाइलर को, ये जो कंपाइलर है उसको समझ में आ जाए कि भाई इस फाइल में जो कुछ भी है वो ये प्रोग्राम, नहीं तो उसे कैसे पता चलेगा। तो हम लोग इस तरह से ये फाइल बनाएंगे add.cpp। तो लैब में जब भी आप जाएंगे तो पहले आप कंप्यूटर पे जाके लॉगिन करेंगे, एक डॉलर सिंबल आएगा, आप उसको बोलेंगे जी एडिट, तो वो एडिटर में चला जाएगा। एडिटर में आप ये पूरा टाइप करेंगे, उसके बाद उसे सेव करेंगे और उसको add.cpp में सेव कर लेंगे। देखिए इस सब कामों का C++ से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमने प्रोग्राम C++ में लिखा, हमें एग्जीक्यूट करना है, तो ये सब नाटक करना पड़ेगा। एक बार ये प्रोग्राम यहाँ पहुँच गया अब इसके आगे हम अपना काम शुरू कर सकते। पहला काम क्या है, हमने C++ में प्रोग्राम लिखा है उसको ट्रांसलेट करवा लें। ये ट्रांसलेट करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम को एक हिदायत देनी पड़ती। ये जी एडिट करने के बाद में आप यहाँ जाएंगे इस विंडो में, जैसे ही आपने ख़त्म किया फिर से यहाँ पर डॉलर आ जाए। ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा एक डंडा लेके खड़ा रहता है दरवान की तरह, डॉलर आ गया, आगे जो करना है बोलो मैं करूँ। आगे आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए कमांड होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को C++, फिर एक ब्लैंक टाइप करो आप और ये जो फाइल है इसका नाम दे दो। .cpp CPP शॉर्ट फॉर्म है C++ का। जो फाइलों के नाम रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में उनमें दो हिज्जे रहते हैं, एक तो नाम रहता है और एक बोलते हैं एक्सटेंशन। एक नाम रहता है जैसे नेम एंड सरनेम। सो अभी दीपक फाटक मेरा नाम, मेरा बेटे का नाम आदित्य फाटक, फाटक कॉमन हो गया। लेकिन और किसी का, जैसे हमारा एसोसिएट है उसका नाम है नागेश कर्मणी, अब उनके पिताजी का नाम कुछ तो भी कर्मणी रहेगा, आप समझ लीजिए कर्मणी एक्सटेंशन है और नाम। दीपक फाटक और आदित्य फाटक दो अलग अलग चीजें हो गई, लेकिन वो दोनों फाटक कुल के। तो इस तरह से जो हजारों फाइलें हम यहाँ बना सकते हैं उसमें ये C++ को बताने के लिए कि कुल वृत्तांत क्या है मेरी फाइलों का, तो जहाँ भी मैं .cpp लिखूंगा
इसका मतलब ये सब फाइलें जो हैं अलग अलग सी प्रोग्राम्स हैं, सी प्लस प्लस, बस ये बताने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, या फाइल का नाम बिल्कुल कुछ भी, जैसे एड डॉट सी पी पी की जगह मैं इसको लिखूंगा अबरा का डबरा डॉट सी पी पी, ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम बुरा मानेगी ना सी प्लस प्लस बुरा मानेगी, लेकिन अगर इस नाम की आपने फाइल बताई और कल को मैंने पूछा भाई मेरे को दो नंबर ऐड करने कोई आपके पास प्रोग्राम है, आप बोलेंगे हाँ ये फाइल ले लो, अब मैं ये अबरका डबरका समझ नहीं आएगा मेरे को। तो हालांकि आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम हमेशा ऐसे दीजिए जिससे ये पता चले कि उस फाइल के अंदर कौन सा प्रोग्राम, इसीलिए नाम चूज करना थोड़े ढंग से चूज, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी नाम दे दिया आपने उसी नाम की फाइल होनी चाहिए बस। यहाँ पे जैसे आप कमांड लिखेंगे सी प्लस प्लस एड डॉट सी पी पी और एंटर दबाएंगे, ये ट्रांसलेटर का काम चालू हो जाएगा। ये कंपाइलर क्या करेगा, ये डिस्क में से फाइल लेगा एड डॉट सी पी पी और वो एक एक लाइन पढ़ना शुरू करेगा उसमें, इसमें से क्या लाइनें निकलेंगी, ये वाली लाइनें जो हमने लिखी है। अब ये लाइन एक 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 लेता जाएगा वो और उसको अपनी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता जाएगा, और वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सीधा कंप्यूटर में नहीं पहुंचाएगा, वो एक और फाइल बनाएगा, उस फाइल का नाम है ए डॉट आउट। कोई सा भी प्रोग्राम आपने कंपाइल किया तो कंपाइलर जो है वो ए डॉट आउट नाम की ही फाइल बनाएगा और वो फाइल इसी डिस्क में रख देगा वापस, तो ये तो कंपाइलेशन प्रोसेस होगी। अब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं हुआ है, आपने लिखा उसको एक फाइल में सेव किया, उसको ट्रांसलेट करवा लिया। अब ये जो ए डॉट आउट, ये जो एड डॉट सी पी पी फाइल है, ये तो अंग्रेजी जैसे अक्षरों से बनी है, हमने लिखी है बिल्कुल ऐसी की ऐसी, आप उसको टाइप करवाएंगे टर्मिनल पे तो ये सब दिखेगा, लेकिन ये ए डॉट आउट जो फाइल है ये उसकी मशीन लैंग्वेज में लिखी है, उसमें 0110001 उसका मतलब आपको कुछ समझ नहीं आ सकता, इसलिए इस फाइल को कभी देखने की भी कोशिश मत कीजिए, ये उसकी भाषा है उसको समझते। हमारे लिए इतना जान लेना जरूरी है कि इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी मशीन के लिए वो बिल्कुल जैसे हमने लिखा है वैसी होंगी और कुछ नहीं करेगा। अब इसके बाद हम प्रोग्राम रन करना चाहेंगे, भाई हमें नंबर ऐड करना है, वो प्रोग्राम रन करने के लिए यहाँ पे फिर डॉलर सिंबल आ जाएगा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम जिन की तरह काम कर लिया तो वो बूथ की तरह दूसरा फिर डॉलर लेके खड़ा हो जाए, आपको जो भी इंस्ट्रक्शन देना है यहाँ दो, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी फिर से डॉलर आ जाए। अब हम यहाँ तक आ गए कि प्रोग्राम अपना कंपाइल हो गया, ट्रांसलेट हो गया, अब रन करना। तो जैसे कंपाइल करने के हमने सी प्लस प्लस बोला था, रन करने के लिए इसी फाइल का नाम दिया जाता है जो ट्रांसलेट होके आई है, यानी ए डॉट आउट। अब ये कमांड देंगे ए डॉट आउट तो कंप्यूटर क्या करेगा, डिस्क में से ए डॉट आउट निकालेगा और उसको ये मेमोरी में कंप्यूटर को दे देगा, लोड कर देगा, भैया आप ये प्रोग्राम रन करो, और इसके बाद जो है वो आपके प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन रन होना शुरू हो जाएंगे। तो जब आप रन करोगे उस समय में ये जो कंपाइल प्रोग्राम है जब वो मेमोरी में एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा तो पहले वो काम करेगा जो आपने बोला था ए बी सी, उसको मालूम है आप कि यहाँ पे तीन लोकेशन लगने वाले हैं ए बी और सी, और अब वो आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये जो है ये हिदायत है कंप्यूटर को कि मेरे प्रोग्राम में तीन लोकेशन लगने वाले हैं। ये जब हमने कंपाइल किया उसी समय उसने अंदाज बांध लिया था कि इनको तीन लोकेशन लगने वाले हैं और इसके लिए उसने ए बी सी नाम तैयार रखे थे। तो कंप्यूटर का आपने जो ए डॉट आउट दिया उसको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले ही वो ए डॉट आउट फाइल पढ़ के यहाँ पे ए बी सी नाम उसने लगा दी, उसका काम खत्म हो। लेकिन अब जो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, जो कुछ काम होगा वो अगली इंस्ट्रक्शन से होगा। क्या इंस्ट्रक्शन है वो, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, इसका क्या मतलब है, कोई तो भी एक वैल्यू लो उसको ए में डालो, कोई तो भी दूसरी वैल्यू लो बी में डालो। अब इस समय आप तो यहाँ बैठे,
आपके सामने कुछ नहीं है, डॉलर नहीं आया अभी, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ने तो बोल दिया कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, जब वो प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तब डॉलर आए, तो आप खाली बैठे यहाँ पे देख रहे हैं। इस समय आपको याद होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उस प्रोग्राम में आपने लिखा था कि सबसे पहले दो नंबर पढ़ो, तो अब आपको नंबर देने चाहिए। तो आप कोई नंबर देंगे, मान लीजिए यहाँ पे दिया आपने 17, एंटर दबाया, तो वो 17 लेके इसमें डाल देगा। फिर आपने कोई नंबर दिया 5, तो ये 5 लेके यहाँ पे डाल देगा, क्योंकि दो नंबर मांगे, दो नंबर दिया आपने, उसने वहाँ डाल दिया। ये इंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। अब अगली इंस्ट्रक्शन, ये क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है कि इस चीज को, पहले कैलकुलेट कर रहा है ए प्लस बी को, फिर असाइन कर रहा है, ठीक है? तो वो सी को असाइन करेगा, तो अब सी में क्या हो जाएगा? 22 आ गई वैल्यू। हाँ, वो अच्छा, इनका ये कहना है, क्योंकि इन्होंने पहली कक्षा अटेंड करी है जहाँ मैंने समझाया था कि कंप्यूटर जो है अंदर डेसिमल नंबर नहीं रखता, वो चूंकि 0-1 में रिप्रेजेंट करता है सब चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है, इसलिए वो बाइनरी सिस्टम यूज़ करता है। तो जो भी हम नंबर देंगे वो इंटरनली बाइनरी रिप्रेजेंट करके डाल देंगे, और जब हम मांगेंगे आउटपुट तो बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट करके भेज देगा। तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे और आपके लिए तो नंबर 17, वैल्यू 17 अंदर गई है, और उसको अंदर कैसे भी रिप्रेजेंट करें? तो जब हम बाद में उसका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और देखेंगे, उस समय उसमें विचार करें, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस वैल्यू 17 अंदर चलेगी, वैल्यू 5 अंदर चलेगी। उसके बाद जब यह इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो गई, और इसका 22 रिजल्ट आ गया, वो सी में चला गया, अभी तक कंप्यूटर में ही है। अब अगली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ये क्या करती है? आउटपुट सी। तो क्या करेगा कंप्यूटर? ये सी में जाएगा, आप फिर से क्या है भाई यहाँ पे 22, ये वैल्यू 22 लेगा। जैसा आपने मित्र ने कहा, ये बाइनरी में इंटरनली रिप्रेजेंट होगी, लेकिन वो फिर वो उस बाइनरी को कन्वर्ट करेगा, उसको पूरा 22 दो और दो ऐसा दो हिज्जे बनाएगा उस, और वो सीधा भेज देगा यहाँ, तो आपको यहाँ आ जाएगा 22। तो आपने कंप्यूटर से काम करवा लिया, और ये 22 नंबर आने के बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है? रिटर्न जीरो। और रिटर्न जीरो का आप थोड़ा मतलब आपके समझ में आ गया होगा, रिटर्न जीरो को भाई मेरा काम खत्म हो गया, घर जाओ। तो वो प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि भाई मेरा काम हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम आके फिर से डॉलर बना दे।